हमीरपुर शहर से जोड़ने वाले तीन गांवों के लिए बनी अंग्रेजों के जमाने के पुल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और सालों से मरम्मत नहीं हो पाने के कारण पुली से गुजरने के लिए हर वक्त खतरा बना रहता है। आलम ऐसा है कि स्कूल की छोटी गाड़ियां भी पुल के ऊपर से नहीं गुजरने से बच्चों को भी पुल की दूसरी ओर से पैदल गांव में आवाजाही करनी पड़ती है। हालांकि अनुकला पंचायत के घनाल खुर्द, घनाल कला और घोड़ियां गांव के लिए लोग सालों से पुल की दयनीय हालत से परेशान हैं, तो इस पंचायत को सांसद अनुराग ठाकुर ने भी गोद लिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इन तीनों गांवों की परेशानियों को दूर नहीं किया जा रहा है। साथ ही गांवों को जाने वाली सड़क पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं, पुल पर भी रेलिंग तक नहीं लगी होने से हर वक्त नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीण जोगिंदर सिंह सुहारू का कहना है कि पंचायत को सांसद अनुराग ठाकुर ने गोद लिया है, लेकिन गांव के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गांव को जाने वाली सड़क की हालत खराब है, तो पुल पर भी दरारें पड़ गई हैं। कैप्टन राजेंद्र चंद सुहारू, गांव के नाल खुर्द का रहने वाला हूं। इस गांव में मूलभूत समस्याएं बहुत हैं, परंतु मोटी मोटी समस्याएं ये हैं कि हथड़ी खड्ड के ऊपर जो पुराना पुल है वो तीन चार गांवों को जोड़ता है, अणु, घनाल खुर्द, घनाल कला और कोड़ियाँ, ये तीन चार गांव हैं, इनको जोड़ता है। सब बच्चे स्कूल के इसी रास्ते से जाते हैं और इस पुल की ऐसी हालत है कि स्कूल की गाड़ियां भी घरों तक नहीं पहुंचती हैं, वो भी पुल के ऊपर ही खड़ी रहती हैं। और दूसरा, जो गांव से गंदे पानी की नाली पंचायत द्वारा डलवाई गई थी, वो जो है वो जगह जगह से टूटी है और उसके ऊपर से पानी जो है वो सारा सड़क के ऊपर फैला हुआ है। सड़क जगह जगह से टूटी है और उसके ऊपर कोई भी व्हीकल आना जाना जो है वो बहुत ही कठिन है। ये पंचायत सांसद द्वारा गोद ली गई है और इस पंचायत में सांसद द्वारा अभी कोई काम तो हुआ नहीं। इस गांव में बहुत समस्याएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम सांसद जी तथा विधानसभा विधायक से हम प्रार्थना करते हैं कि इस काम को जल्दी करें। इस पुल का निर्माण जो है नए सिरे से होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी है, इसके ऊपर हर तरह के व्हीकल जो हैं वो चलना मुश्किल हैं। इस और गंदी पानी की नाली जो है उसको भी जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र। वहीं अन्य ग्रामीण रविंदर कटोच का कहना है कि पुल की रिपेयर की जानी चाहिए और सड़क की हालत को भी ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सड़क पर पड़े गड्ढों की भी रिपेयर की जानी चाहिए। पुल का काम है, रिपेयर होनी चाहिए जल्दी और नया भी बनना चाहिए। और नाली जगह गंदे पानी की टूटी हुई है, फटी है, वो भी सड़क में बह रहा है गंदा पानी, वो भी ठीक होनी चाहिए। सड़क के खड्डे खुड्डे बहुत खड्डे हैं, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, ये भी रिपेयर होने चाहिए। गौरतलब है कि तीन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए एकमात्र मार्ग की हालत खस्ता होने पर अब ग्रामीणों में भी गहरा रोष पनप रहा है, क्योंकि एक ओर तो सरकार सुविधाएं देने की दावे करती नहीं थकती है, वहीं दूसरी ओर लोगों की समस्याओं पर विराम नहीं लग रहा है।